लखीमपुर में प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलने का दहला देने वाला वीडियो आया सामने। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ट्वीट करते उन्होंने जारी किया वीडियो। दिल दहला देने वाले वीडियो में साफ दिखा गाड़ी के ड्राइवर ने प्रदर्शनकारी किसानों पर पीछे से चढ़ाई गाड़ी। हादसे के वक्त एक बुजुर्ग प्रदर्शनकारी किसान गाड़ी के बोनट पर आकर गिरा, ड्राइवर ने फिर भी नहीं रोकी गाड़ी, तेजी से गुजरा। कई प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलते हुए तेज रफ्तार से गुजर गए। पीछे से गुजरी काले रंग की फॉर्च्यूनर। हैरत इस बात की कि हाथ से कुचले गए लोगों को देखकर फॉर्च्यूनर के ड्राइवर ने भी गाड़ी नहीं रोकी और घायलों को कुचलते हुए भागा। लखीमपुर कांड में मारे गए लोगों की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चारों किसानों की घसीटने कटने से मौके मौत का जिक्र। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चारों किसानों के शरीर पर घसीटने और चोट के निशान। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा खून बहने की वजह से मौत, इसी वजह से गई जान। पत्रकार और बीजेपी समर्थकों की पिटाई से मौत, डंडों से पिटाई के निशान। पिटाई की वजह से ज्यादा खून बहा, श्याम सुंदर निषाद के शरीर पर घसीटने के भी निशान। प्रियंका गांधी ने हिरासत में पीएम मोदी को किया सवाल, पूछा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे पीएम मोदी जी, क्या आपने ये वीडियो देखा है? प्रियंका ने ट्वीट में किया सवाल, अन्नदाता को कुचल देने वाला यह व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ क्यों? पीएम को मोबाइल पर वीडियो दिखाती प्रियंका गांधी ने यह भी कहा, आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और एफआईआर के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है। सीतापुर में गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी, प्रियंका गांधी को हिरासत से छोड़े जाने की मांग। लखीमपुर जारी, प्रियंका गांधी को हिरासत के बाद यूपी के सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया, कल गेस्ट हाउस में अपना कमरा साफ करती दिखाई दी प्रियंका। केंद्रीय मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष पर किया वार, कहा ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, आप नेता बताएं कहां से आया है ये वीडियो? आज आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को कहां से इस तरह के विजुअल मिल रहे हैं? इसका मतलब है कि ये षड्यंत्र रचना चाह रहे थे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का ये वीडियो किसी भी की भी आत्मा को झकझोर देगा। वरुण गांधी की मांग, पुलिस इस वीडियो को संज्ञान में लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों की करे पहचान, दोषियों को करे गिरफ्तार। जांच में अहम सबूत होगा ये वीडियो, कल गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा था, पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किया गया हमला। हादसे के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने किया था हंगामा, काफिले की गाड़ियों को रोककर की थी तोड़फोड़ और आगजनी। भड़की हिंसा में एक पत्रकार समेत चार लोगों की हुई थी मौत, जला दी गई थी कुछ गाड़ियां। आज असदुद्दीन ओवैसी जाएंगे लखीमपुर, पीड़ित परिवारों से मिलने का ऐलान। हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जाते हैं, क्यों जाते हैं? जाकर पीड़ित परिवार से उनके आंसू पोंछते हैं, उनको हिम्मत दिलाते हैं। लखीमपुर खीरी कांड में कल समझौते के मुआवजे फार्मूले की लाई थी योगी सरकार। राकेश टिकैत ने पुलिस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मृतकों के परिजनों को 45-45 लाख का मुआवजा और एक परिजन को सरकारी नौकरी का किया था ऐलान। योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा के घायलों के लिए 10-10 लाख रुपए का किया था ऐलान। गांधीनगर महानगर पालिका चुनाव की मतगणना जारी, 11 वार्डों की 44 सीटों पर हुआ है मतदान। गांधीनगर महापालिका चुनाव में 56% हुआ था मतदान, इस बार है त्रिकोणीय संघर्ष। गांधीनगर महापालिका चुनाव में इस बार बीजेपी की साख दांव पर, कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी से भी है कड़ी टक्कर। पीएम मोदी आज लखनऊ दौरे पर पहुंचे, आजादी के अमृत महोत्सव में की शिरकत। 3 दिन तक चलने वाले अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन, 4700 करोड़ से ज्यादा के 75 प्रोजेक्ट की पीएम मोदी देंगे सौगात। यूपी में 75,000 लोगों के घर का सपना होगा साकार, कुछ लोगों को वर्चुअल तरीके से घर की चाबी सौंपेंगे पीएम। पैंडोरा पेपर लीक मामले को लेकर सरकार गंभीर, जांच के आदेश दिए गए, मल्टी एजेंसी ग्रुप करेगा जांच, सीबीडीटी के चेयरमैन की देखरेख में होगी जांच। नए वायुसेना चीफ आज पहली बार मीडिया से होंगे मुखातिब, आसमान में भारत की ताकत का करेंगे जिक्र। कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर आज WHO करेगा फैसला, स्ट्रैटेजिक ग्रुप की आज बैठक। कोविड के बच्चों पर असर को लेकर भारत जारी करेगा रिपोर्ट, बच्चों को कोविड के असर से उबारने में विशेषज्ञों की मिलेगी मदद।
बिहार में आरजेडी और कांग्रेस में बड़ा विवाद, उपचुनाव की दोनों सीटों पर आरजेडी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस की आरजेडी की चेतावनी, कुशेश्वर स्थान सीट पर हटाए अपना उम्मीदवार, ऐसा नहीं करने पर दोनों सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। बागम्बरी गद्दी के महंत का पद आज संभालेंगे बलबीर गिरी, नरेंद्र गिरी ने बनाया था उत्तराधिकारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में धान की खरीददारी को लेकर किसानों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया जबरदस्त लाठीचार्ज। जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे किसान, लाठीचार्ज के बाद गहलोत सरकार को दी चेतावनी। हरियाणा के सीएम के लट मारने वाले बयान पर बढ़ा विवाद, सिद्धू ने मनोहर लाल खट्टर पर की दो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ रोहतक में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, हरियाणा के सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर किसानों ने लगाया जाम, हरियाणा के सीएम के बयान पर जोरदार नाराजगी। पंजाब के राज्यपाल से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, किसानों के हालात को लेकर सौंपा ज्ञापन। भवानीपुर के गुरुद्वारे में पहुंची ममता बनर्जी, उपचुनाव में जीत का किया शुक्रिया। बिहार विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर जेडीयू उम्मीदवारों की जीत का दावा, महेश्वर हजारी बोले यहां से जीत तय। कांग्रेस ने फिर खोला कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा, हरीश रावत बोले बीजेपी की मदद कर रहे हैं पंजाब के पूर्व सीएम। जो डर लग रहा है कि एक व्यक्ति जो पहले हमेशा लोकतांत्रिक परंपराओं और सेक्युलरिज्म के साथ आगे बढ़ा, उस थिंकिंग के साथ आगे बढ़ा, वो भाजपा के राजनीति का मुखौटा बन रहा है। बरेली में धार्मिक आयोजन में रूप बदलने को लेकर जोरदार बवाल, पुलिस को करनी पड़ी सख्ती। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने एक बाइक को मारी टक्कर, दो भाई बहनों की मौत। झारखंड के रामगढ़ में जोरदार बवाल, स्थानीय लोगों ने की आजसू के छात्रों की जमकर पिटाई। मध्यप्रदेश के मुरैना में एक युवक की हत्या से अड़कम, दो दोस्तों ने वारदात को दिया अंजाम। कोलकाता में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इंदौर में टायर कारोबारी की हत्या में पति पत्नी गिरफ्तार, जंगल ले जाकर की थी हत्या। हनुमानगढ़ में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के पांच लोगों की तबियत बिगड़ी, एक की मौत। हरियाणा के सोनीपत में केएमपी पर दर्दनाक सड़क हादसा, चार छात्राओं को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत। भरतपुर में करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत का नशीला पदार्थ जब्त, झारखंड से जोधपुर की तरफ जा रहा ट्रक, 6 गिरफ्तार। गोरखपुर के कई इलाकों में जलभराव, सड़क पर जमा है 3 से 4 फीट तक पानी। बिहार के सहरसा में आईपीएस की मां बनी मुखिया, चैनपुर पंचायत के युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा में मदद का दिया भरोसा। बिहार के समस्तीपुर में मुफ्त में कानूनी मदद दिलाने के लिए जागरूकता अभियान, 14 नवंबर तक घर घर जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। थम गया शेयर बाजार में 4 दिन से चल रहा गिरावट का दौर, सेंसेक्स में 533 अंकों की उछाल, 159 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ निफ्टी। महंगाई को काबू में रखने के लिए बाजार में मौजूद अतिरिक्त नकदी की खींच सकता है आरबीआई, एमपीसी बैठक के बाद हो सकता है ऐलान। एलआईसी के मेगा आईपीओ के आगाज की तैयारी शुरू, अगले महीने सेबी के पास दस्तावेज जमा करेगी कंपनी। बागवेर में फिल्मी स्टाइल में लूट, बैंक में घुसकर लूटे लाखों रुपए। उत्तराखंड में मधमेश्वर के जमकर हुई बारिश, मंदिर परिसर समेत आसपास के क्षेत्रों में घुसा बारिश का पानी और मलबा। अमरावती के गांव में लुटेरों का कहर, हथियारों के दम पर लूटे 14 लाख के गहने। नोएडा में नकाबपोश बदमाशों ने धर्म कांटे पर बोला धावा, बुजुर्ग मालिक बदमाशों से भिड़े। सीतामढ़ी में व्यवसायी के घर दिन दहाड़े लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की तस्वीर।